अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम जवेरिया का। मालूमत करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जो डेट है वो है 15th November 2024 और आज माशाल्लाह से जुमा है। और आपने जितने मेरे आज तक के जुमा के व्लॉग्स देखे होंगे, आई थिंक कुछ इक्का दुक्का के अलावा सब में मैंने यही कहा कि मैं अपने टाइम के हिसाब से लेट हो गई। लेकिन आज मैं लेट नहीं हुई, रात को ही यही टाइम सोचा हुआ था, इस वक्त 11 बज रहे कि इस वक्त तक जाना है। तो अभी जो है वो इतना ज़्यादा कोई रश है, इतना रश है कि आज तो ये आई थिंक अगर मैं उम्मीद भी करूँ ना कि हम मस्जिद के अंदर नमाज़ अदा कर लें तो भी ज़्यादती होगी। लेकिन बस इस उम्मीद के साथ है कि चलते जा रहे हैं कि जहाँ तक मौका मिला वो चलेंगे और जहाँ मौका मिला वहाँ इंशाल्लाह जुमा अदा करेंगे। तो आज जितनी भी जुमे की रौनक है फिफ्टीन नवंबर 2024 को, वो तमाम आपके साथ करूँगी जी शेयर। अब हम जा रहे हैं अभी जी न्यू हरम की तरफ और उधर जाकर देखते हैं कि जगह कहाँ मिलती है। अभी तकरीबन एक घंटा है अजान में, यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी मिल रहा है और ये होता है फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे हरम के पास माशाल्लाह, ताकि हाजी जो इतनी गर्मी में चल कर आएँ तो उनको थोड़ा सा सुकून मिल सके। और ये बहुत बेहतरीन सदका जारिया है, अगर आप भी अफोर्ड कर सकें तो आप इस तरीके से पानी जो है वो पिला सकते हैं कभी भी कहीं भी और किसी को भी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काबे के सामने जो है वो जगह मिल गई थी। गहमा गहमी माशाल्लाह रौनकें, अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज़ में बहुत अच्छी जगह मिल गई। मतलब अच्छी से मुराद ये है कि थोड़ी सी कंजस्टेड थी, लेकिन काबा के सामने अल्हम्दुलिल्लाह जगह मिली और नमाज़ भी हो गई। अभी तो काफ़ी देर हो गई है नमाज़ हुए हुए, तकरीबन इस वक्त जो है वो 2:30 बज रहे हैं। तो बस मस्जिद में ही बैठ के सोचा कि कुछ पढ़ लिया जाए और अब जो है बस होटल की तरफ चलते हैं। तो जुमे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो सबसे पहले तो अगर आपने जुमे के दिन सुकून से जाना है तो आप बिल्कुल भी जो है वो ना निकलें नमाज़ के फ़ौरन बाद, वेट करें थोड़ा कि नमाज के बाद आप ना निकलें। मुझे थोड़ा सा एक काम था बाहर, किसी को छोड़ना था, तो मैं जो हूँ वो बाहर की तरफ गई पहले और फिर वापस अंदर आई हूँ। नहीं तो वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जुमे वाले दिन अपनी जगह पर जहाँ बैठी हूँ वहीं पर बैठी रहूँ, या तो शुरू में जल्दी आ जाऊँ या फिर बाद में वक्त थोड़ा गुजारूँ। तो आज शुरू में जल्दी नहीं आ सकी थी किसी रीज़न की वजह से, लेकिन यह है कि बाद में अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजर गया। अब बस चलते हैं, बाहर की रौनकें भी आपको दिखाऊंगी और इब्राहिम खलील रोड की रौनकें भी आपको दिखाऊंगी और उसके अलावा फिर क्या होता है वो भी सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। इतना प्यारा जो है वो वेदर हो रहा है, मतलब बादल से हो रहे हैं, ये ज़्यादा धूप नहीं है तो बड़ा ही कोई अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और रश बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इब्राहिम खलील रोड और हरम के आसपास भी चलने की, जैसे हरम की तो एक बात है ही ऑब्वियसली, लेकिन आसपास चलने की भी एक बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग्स हैं जो कि आपको दुनिया में कहीं और चलने में नहीं आ सकती। अगर हम अपने घरों से कहीं किसी के घर निकलकर बाय वॉक जाएं, थोड़ा बहुत भी चलें, हम बहुत थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जितना भी चलें जो है वो हम अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे ही देता है और हम बहुत खुशी खुशी जो है वो चल लेते हैं माशाल्लाह से। तो आप ये देखें सामने माशाल्लाह जो है वो मंजर, ये 5 रियाल की खजूर है, आगे भी जो है बहुत बाज़ार लगा होता है लोकल सा। अभी आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पर परफ्यूम्स, आप जो है वो वॉचेस, स्कार्फ, नकाब, दुपट्टे, इसके अलावा अबाए और नमाज चादर जो होती है वहाँ पे देखें माशाल्लाह कैसे कबूतर है। देखें पूरा बाज़ार लगा हुआ है। ये घड़ियाँ जो है वो 5-5, 10-10 रियाल की होती है घड़ियाँ। ये जो है नकाब 5-5 रियाल की है। और यहाँ पे ये टैक्सीज़ इतनी ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि आज जुमा है। ये अबाए हैं, ये तकरीबन 15-20 रियाल के अबाए मिल जाते हैं। और ये जो बाहर आपको इस तरीके से, भी मुझे ये नहीं पता इनके पास क्या है, लेकिन मूव वग़ैरह मिलती है, मूव टाइगर बाम, वो फेक होती है, वो मत लीजिएगा। ये पूरा जो शुरू होता है जबल उमर से, ये पूरा बाज़ार आगे इब्राहिम खलील रोड तक जाता है। और इस वक्त में जो है, इस वक्त में हाजी शॉप से ज़्यादा जो है वो बाहर ये लोकल शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, काफ़ी कुछ जो है वो ख़रीद लेते हैं क्योंकि काफ़ी सही होता है। इस वक्त बज रहे हैं जी 10:20, वैसे तो इशा के बाद का ही वक्त है लेकिन माशाल्लाह रौनक इतनी है। ईशा के बाद जो है वो गाड़ियों को यहाँ तक आने देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है गाड़ी। इस तरीके से बाहर जो है वो बाज़ार लगता है चादर पर, और काफ़ी कुछ बिकरा होता है जो कि शुरू होता है जबल उमर से और वो इब्राहिम खलील रोड तक होता है। और लोग इस पर से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और काफ़ी चीज़ें रीज़नेबल भी मिल रही होती हैं दुकान की बनस्बत। इस तरफ भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, उस तरफ भी होती हैं। और ख़ूबसूरत सा मंज़र है। ये मिस्टर्स है, ये भी बंद है क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे इस तरीके से सामान मिल। आज जो डेट है जी वो है 16 नवंबर 2024 और रात के तकरीबन बज रहे हैं इस वक्त 11, यानी कि इशा हुए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें मक्का और मदीना के मौसम के हवाले से बता दें और आने वाले महीनों में मौसम कैसा होगा और किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, यानी कि पैकिंग के हवाले से किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए और किस तरीके का मौसम है, क्या अपडेट्स हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी फरमाइश के मुताबिक आज की वीडियो में हम करते हैं डिस्कस। इस वक्त तकरीबन मिड नवंबर है, यानी कि आज 16 नवंबर 2024 है। तो मिड नवंबर में अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीना से होकर आई हूँ। मदीना में यहाँ से ज़्यादा अच्छा मौसम था, यानी कि मक्का तुल मुकर्रमा से ज़्यादा ठंडा मौसम था। और लास्ट मदीना के दो तीन दिन में तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ज़्यादा हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, ठीक है। और मक्का में जो है वो रात में, जैसे अभी जो है वो थोड़ी ठंडी सी हवा है, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत आइडियल मौसम है। अगर आपके साथ जो है वो कुछ भी हेल्थ इशूज़ हैं, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, उनके हिसाब से इस वक्त का मौसम बहुत आइडियल है। अब बात कर लेते हैं अगले कुछ मंथ्स में क्या है। अब मैं आपको उसके हवाले से बता रही हूँ जो कि इंटरनेट पर मौजूद है, ठीक है, एक्यूवेदर के हिसाब से। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई मौसम कैसा होगा, तो यहाँ पे मैं आपको टिप भी दे देती हूँ। तो आपने जाना है एक्यूवेदर, ये एक वेबसाइट है, अगर एप्लीकेशन है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं वेबसाइट पर देखती हूँ। तो आपको पूरा मंथली वहाँ का जो भी होता है कि इसके हवाले से मौसम हो सकता है वो अपडेट्स होती हैं, लेकिन ये अल्लाह के इख्तियार में है, कुदरत है। हम सिर्फ वो चीज़ देख सकते हैं जिसकी प्रेडिक्शन की हुई है। उसके हवाले से दिसंबर जो है वो भी थोड़ा नॉर्मल होगा, लेकिन जनवरी फरवरी में ठंड ज़्यादा होगी। लास्ट टाइम जनवरी के मिड और फरवरी में इस कदर की ठंड थी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ, कुछ लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को ठंड कम लगती है, ठीक है, ऐसा होता है।
मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब कि मैं एसी मुझे इतना सूट नहीं करता और मुझे ठंड नॉर्मली लोगों से मुझे लगता है कि ज़्यादा लगती है। तो मेरे हिसाब से तो लास्ट जनवरी मतलब कि मिड जनवरी के बाद और फरवरी में इस कदर का ठंडा मौसम था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, स्पेशली इन मदीना, लेकिन कुछ लोगों से बर्दाश्त हो सकता है। तो आपने जो है अब आपको देखना है कि आप कैसे हैं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमें मौसम का बता दें हम क्या करें, तो आपने पहले तो अपने आप को देखना है, ठीक है। उसके बाद एक्यू वेदर आपने लाजमी चेक करना है। अब बात कर लेते हैं कि पैकिंग किस हवाले से करें या किन चीज़ों का ख्याल रखें। देखिए सबसे पहले तो जब आप यहाँ पर अभी है या तो नवंबर में या दिसंबर में आने वाले हैं, जनवरी फरवरी, आपने यहाँ पर ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना, क्योंकि ये मौसम इतना ज़्यादा बीमार कर देने वाला है। और आप तकरीबन पूरी दुनिया में आई थिंक जो है वो वायरल चल रहे हैं, तो आपको उससे बचने के लिए लाजमी ये करना है कि ठंडा पानी नहीं पीना और एसी का बहुत ख्याल रखना है। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर आप शेयरिंग बेसिस पर आ रहे हैं या आप अपनी फैमिली में भी एक रूम शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने से दूसरे का भी ख्याल करें, क्योंकि हर कोई ना तो एसी अफोर्ड कर सकता है ना ही हर किसी को सूट करता है, ठीक है। तो आपने एक दूसरे का ख्याल करना है, कोशिश हत्तलिमकान यही करें कि आपने एक दूसरे का ख्याल रखना है। आपने जो है वो खाना खाने में भी कुछ ध्यान रखना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपने कोई खट्टा ठंडा नहीं खाना, क्योंकि ये मौसम बीमार आपको कर देगा। तो अब आपके पास कुछ दिन है ना, आप 10 दिन, आप 15 दिन के पैकेज पर आए हैं या 20 दिन के पैकेज पर आए हैं, फिर वो दिन आपके अगर एक हफ़्ता ही आपका बीमारी में ज़ाया हो गया, तो कोशिश तो हत्तलिमकान आपने यही करनी है। उसके अलावा जो है वो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई पैकिंग के हवाले से हम क्या करें। तो पैकिंग के हवाले से ये है कि आप सर्दी का थोड़ा बहुत इंतज़ाम ज़रूर कर लेकर आएँ, ठीक है। जैसे एक शॉल रख लें, सॉक्स वगैरह रख लें, ये बात इस महीने और दिसंबर की है, लेकिन अगर आप जनवरी फरवरी में आने वाले तो लाजमी अपने साथ हुडी अपर कुछ इस तरह भी रखें। अगर इन महीनों में भी यानी कि नवंबर दिसंबर में आपके साथ बच्चे हैं या बूढ़े हैं या पेशेंट्स हैं, उनका फिर अभी भी कुछ हुडी वगैरह का इंतज़ाम रख लें, क्योंकि स्पेशली हरम के अंदर एसी इतने तेज़ होते हैं कि जिनको सूट ना करे या जो बीमार हों या बच्चे हों जिनको बीमारी का ख़तरा ज़्यादा होता है, उनके लिए हुडी वगैरह इस मौसम में भी बेस्ट रहेगा। अच्छा, सर्दियों में या अच्छे मौसम में आप अपनी रूटीन उस हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि ज़्यादा टाइम हरम में गुजारना चाहते हैं, तो आप अपनी रूटीन कुछ इस तरह बना लें कि आपने जो है वो फजर से पहले वाला टाइम भी हरम में गुजार लें, तवाफ़ वगैरह कर लें, तो ये टाइम ठंडा होता है और काफ़ी अच्छा होता है इस लिहाज से कि आप हरम में ज़्यादा देर गुजार सकते हैं। दोपहर के वक्त में अगर आप धूप की वजह से, जैसे अभी मैं अगर मक्का की बात करूं तो मक्का में जिस वक्त धूप होती है, जैसे कि कल जुमा था तो बहुत शदीद धूप थी और धूप में बहुत शदीद गर्मी भी थी, तो उस हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में नहीं निकलना चाहते तो शाम के वक्त जो है वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप यहाँ पर गुजार लें। और तवाफ़ वगैरह करने के लिए फिर आपके लिए बेस्ट टाइम है रात का, ताकि आपको धूप में भी तवाफ़ नहीं करना पड़ेगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ भी हो जाएंगे। ये देखें ये भी बंद है। अगर बहुत गर्मी होती तो ये खुले होते हैं, बल्कि ये मिस्टर्स हैं तो पानी भी बहुत अच्छा होता है इनसे, लेकिन मौसम अच्छा हो गया है तो ये भी बंद के बज रहे हैं 3। और ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कबूतर, माशाल्लाह मस्जिद में आए हैं ये भी। इस वक्त जो है मस्जिद की सफाई वगैरह चल रही है और ये कबूतर साहब आए हैं। अभी जो है रात के तकरीबन 3:15 बज रहे हैं और मस्जिद में लिटरली मुझे बहुत शदीद ठंड लग रही है। वैसे मुझे थोड़ा फीवर भी है इस वजह से भी, लेकिन आसपास भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ख़वातीन लेटी हुई हैं कोई शॉल लेकर, कोई चादर लेकर, सॉक्स पहन के। इसका मतलब ये है कि वाकई में मक्का में थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है। अगर मैं मदीना की बात करूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि मदीना में ज़्यादा ठंड होती है यहाँ के हिसाब से, और फिर वही कहूँगी जैसे मस्जिद में भी इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, यहाँ के पंखे यहाँ के मिस्टर्स सब बंद हैं, ठीक है। बहुत शदीद धूप होती है उस वक्त खुले होते हैं, क्योंकि उस वक्त लोगों को ज़रूरत होती है, लेकिन सब बंद है। क्यों बंद है? इसलिए ताकि लोग बीमार ना हो जाए। तो आप अपने होटल में भी इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जैसे ही आप नहा कर आते हैं या गर्म ठंडा होता है, जैसे कि हम बाहर धूप से
एसी में डायरेक्ट जाते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं, तो अपना भी लाजमी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी लाजमी ख्याल रखें। अगर आपने जहन बनाया हुआ है उमरा करने का कि आपने नवंबर दिसंबर में जाना है, तो मेरा मशवरा है कि आप फ़ौरन से पहले जो है वो अपना ट्रिप कंफर्म करें और लाजमी यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि लिटरली एक आइडियल मंथ है उमरा करने के लिए। मैं जो हूँ, मेरा जैसे भी काफ़ी सारे लोगों ने बहुत वीडियोज़ में सुन रखा होगा, मेरा बीपी लो होता है और मुझे जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि मैंने यहाँ यानी कि मक्का मदीना में हर तरीके का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह देखा है। तो मैं आपको कहूँगी कि ये बेस्ट मंथ है अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है या आप अच्छे से जो है सफ़र को इंजॉय करना चाहते हैं। जब बहुत गर्मी होती है तब भी आप उस तरीके से इबादत नहीं कर पाते हो, जब बहुत शदीद सर्दी होती है आप तब भी नहीं कर पाते, तो ये मंथ आई थिंक बेस्ट है।